वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज हम करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 13 जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इसमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं, कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी। तो हमें इनको अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। तो वर्ड्स को देखने पे ये पता चल रहा है कि ये इलनेस से रिलेटेड है और डॉक्टर कंसल्टेशन से रिलेटेड है। तो हमें इनका सीक्वेंस बनाना है कि सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा। तो वर्ड्स को देखने से हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास हम क्यों जाएंगे। डॉक्टर के पास इसलिए जाएंगे क्योंकि कोई इलनेस होगी तो सबसे पहले हमारे पास आएगा इलनेस। 2, सबसे पहले कोई ना कोई इलनेस हमें फील होगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहले आएगा हमारे पास 2 इलनेस। इलनेस हुई तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने पे हमने कंसल्ट किया डॉक्टर को। तो 2, 3, 1 डॉक्टर की कंसल्टेशन ली। डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद उसने ट्रीटमेंट शुरू की। तो ट्रीटमेंट आएगा हमारा 4th नंबर पे। देन ट्रीटमेंट के बाद हमारी कुछ रिकवरी हुई तो रिकवरी आएगा लास्ट पे। तो हमारा सीक्वेंस बनेगा 2, 3, 1, 4, 5। तो ऑप्शन में देखते हैं 2, 3, 1, 4, 5 ऑप्शन ए है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 2, ये भी सेम ही है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो वर्ड दिए गए हैं यूफोरिया, हैप्पीनेस, एम्बिवेलेंस, एक्सटेसी एंड प्लेजर। तो ये बेसिकली सारे वर्ड जो हैं ये हैप्पीनेस के ही डिग्रीज हैं। किसी में ज़्यादा हैप्पीनेस है, किसी में कम है। तो सबसे ज़्यादा होती है एक्सटेसी में। तो एक्सटेसी है जिसमें एक्सट्रीम जॉय होता है, एक्सट्रीम पे बंदा खुश होता है। अगर इनमें से किसी भी वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम ट्रिकी हो सकती हैं। बट इनको करने का एक आसान तरीका है कि मान लो हमें ये पता चल गया कि कोई सबसे ज़्यादा वाला जो इंटेंस वर्ड है वो हमें पता है। जैसे एक्सटेसी हमें पता है कि ये सबसे हायर लेवल पे जो जॉय होता है वो है। तो अरेंज करना है जब भी हमें वर्ड को तो एक्सटेसी हमेशा लास्ट पे ही आएगा। तो अगर लास्ट पे आएगा तो 4 नंबर जो है सीक्वेंस में लास्ट पे आना चाहिए। तो ऐसी ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन में ए पे 5 है, बी पे 4 है तो ये वर्ड 4 वाला है। देन सी पे 5 है, डी पे हमारे पास 3 है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है जिसमें एक्सटेसी जो है वो लास्ट पे आ रहा है, एक्सट्रीम पे आ रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन हमें एलिमिनेट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही सॉल्व करने पड़ते हैं। इनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है इन केस हमें वर्ड का मीनिंग, अगर एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता तो। जैसे हैप्पीनेस और प्लेजर है तो इनकी डिग्रीज में बहुत कम डिफरेंस होता है कि कौन पहले आएगा, प्लेजर पहले आएगा या हैप्पीनेस पहले आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके ही सॉल्व करने चाहिए, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये आंसर आ जाएगा बी। 3rd क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर टू जनरल। तो मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है, सेम क्वेश्चन है। तो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री। तो इसमें है ग्रुपिंग है, पहले एक मेंबर है, फिर उससे ज़्यादा मेंबर हो रहे हैं, फैमिली बन रही है, कम्युनिटी बन रही है, कंट्री बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में अपना लॉजिक अप्लाई किया था इसमें भी वैसे ही लॉजिक अप्लाई करना है। तो इसमें तो जो 5 वर्ड दिए गए हैं इनमें सबसे छोटा कौन है, एक सिंगल मेंबर है। तो हमें पता है कि मेंबर जो है वो पहले ही आएगा, सबसे पहले मेंबर ही आएगा। अब 5 में से हमें ढूंढना है कि कौन सा जो वर्ड है वो बिगर वर्ड है। तो इनमें फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री में से कंट्री एक बिगर है तो लास्ट पे हमारे पास आएगा 5। तो हमारी ऑप्शन जो है वो बननी चाहिए, पहले 3 आना चाहिए फिर लास्ट पे 5 आना चाहिए। तो ऐसी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है हमारे पास, एक तो ये 3 से शुरू हो रही है, ये 5 से ख़त्म हो रही है, ये ऑप्शन बन रही है, ये 3 से और 4 से है तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। देन 3 और 5 तो ये भी ऑप्शन बन रही है हमारे पास। देन 3, 1, 3 और 2 है तो ये भी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अब फिर से हमारे पास कन्फ्यूजन जो है वो रह गई है कि 3 और 5 वाली 2 ऑप्शन बन रही हैं।
अब 3 और 5 वाली दो ऑप्शन में से हमें चूज करना है कौन सा हमारा आंसर सही है। तो 3 के बाद ए और सी दोनों ऑप्शन में 3 के बाद 1 ही आया है, तो 1 की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फैमिली ही आएगा। मेंबर के बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो फैमिली ही आएगा। देन उसके बाद है 2, 4 और इसमें है 4, 2, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है फोर्थ और सेकेंड वर्ड में। सेकेंड वर्ड है कम्युनिटी, फोर्थ वर्ड है लोकेलिटी। तो लोकेलिटी और कम्युनिटी में हमें देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो कम्युनिटी और लोकेलिटी में देखने के लिए हमें एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का, कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या बन रहा है कम्युनिटी और लोकेलिटी का। अगर हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता तो हमें रियल लाइफ में इसे अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कैसे ये रियल लाइफ में हमने कहीं पर देखा है ऐसा वर्ड। तो जैसे कम्युनिटी है और लोकेलिटी है, तो हमने अक्सर ही सुना होगा कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, जैसे एक कॉलोनी होती है तो कॉलोनी में एक किसी कॉलोनी ने एक अपना हॉल बनाया होता है नॉर्मल मीटिंग्स और फंक्शंस करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी हॉल। तो एक छोटी कॉलोनी को हम कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो जो लोकेलिटी है इससे छोटा ही होगा हमारा कम्युनिटी, एक कॉलोनी है, तो इसलिए हमारा 2 जो है वो पहले आएगा, 4 जो है वो बाद में आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए 3, 1, 2, 4, 5। तो ये है छोटा सा चैप्टर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, एग्जाम में आते हैं जो, बट इनको हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर सॉल्व करेंगे तो हम बहुत प्रोबेबिलिटी है कि हम जो है सही आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।